I'm Mrs. S.R. Panda from Prabhudayal Public School, Shalimar Bagh, in Delhi. Climate change is real and it is getting worse. Protecting our environment is our first duty as irresponsible citizens. Earlier, our school used to get electricity directly from Tata Power. But later, we thought of installing solar panels in all the three buildings. In our main school, we have solar panels of 40 kilowatt. In primary, it is 55, and in nursery, it is 10. Earlier, our students used to get plastic containers, plastic bottles, etc. We have now encouraged them to use more eco-friendly products. For conservation of water, we have a very properly functional rain harvesting system in our school. I would like to request you all, the big business concerns and corporations, to come forward and adopt sustainable practices and make this world a better place to live in. Thank you, sir. Hi, I'm Sunil Bhotra. I'm a director of TSB Polychem Private Limited, situated in Bhavana Industrial Area. हम लोग plastic recycle के business में हैं. और प्लास्टिक को जो आप लोग यूज़ करके डंप कर देते हैं उसको रिसाइकल करके वापस उसकी फॉर्म चेंज करके ग्रैनुल्स बना के और वापस इसी अदर इंडस्ट्री में जैसे केबल इंडस्ट्री है आपका पाइप इंडस्ट्री है या कोई स्टोरेज टैंक्स है जिसके लिए हम लोग ये ग्रैनुल्स बना के रीसेल करते हैं जिससे कि हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज और एनवायरमेंट फ्री होने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा जो योगदान है वो बना है. जैसा कि मैंने बताया हम फैक्ट्री चला रहे हैं तो फैक्ट्री के अंदर आपको पता है दो ही मेजर कॉस्ट होती है एक लेबर और एक इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग के लिए हम लोगों ने सारे 5-स्टार रेटिंग की प्रोडक्ट जैसे एलईडी है आपका मोटर जो है अच्छी रेटिंग की मोटर्स लगा रखी है अच्छे जो अगर आपको कहीं पे एसी या किसी और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की है तो जो अच्छी रेटिंग है 5-स्टार रेटिंग है हम लोग वो यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी कंपनी एक 5-स्टार रेटिंग के हिसाब से एफिशिएंट बने हम लोग अपना योगदान जो है वो अर्थ पे दें ताकि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम सब बढ़ सकें. मैं सभी कॉरपोरेट भाइयों को कहना चाहूँगा कि हम सभी 5-स्टार रेटिंग या सोलर एनर्जी जिससे हमारी अर्थ जो आने वाले समय में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी या उससे आगे वाली जनरेशन आएगी उनको एक हम अच्छा एनवायरनमेंट दें इसी के लिए मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इस इनिशिएटिव में आप भी अपना योगदान और भागीदार बनें. थैंक यू.